हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल घर का स्वाद में। आज मैं सर्दियों में खाए जाने वाले बहुत ही स्पेशल गोंद के लड्डू की रेसिपी लेके आए हूँ, जो कि बहुत ही हेल्दी होते हैं। ये तो बहुत समय पहले से सबके घर में बनते हैं, लेकिन ये बहुत हेल्दी होते हैं। ये जैसे बॉडी पेन या जोड़ों में दर्द या आपको इम्यूनिटी आपकी कमज़ोर है, तो आप इन्हें बना के सर्दियों में तैयार करके रख सकते हैं। और ये बना के 20 से 25 दिन तक का हम इन्हें स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये देखिए, ये बच्चों को भी हम इन्हें दे सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी होते हैं, जैसे आधा लड्डू सुबह आधा लड्डू शाम को हमें ये बना के रख सकते हैं और इनको बच्चों को इस तरह से आधा आधा दे सकते हैं। ये काफ़ी दिनों तक चल सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही हेल्दी होते हैं ये। चलिए इनको बनाते हैं। इसके लिए हमने लिए हैं ये ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिया है बादाम, पिस्ता, अखरोट और काजू। तो मैंने इतने सारे ये ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट है आप उनको ले सकते हैं। आप जो ड्राई फ्रूट आपको पसंद है आप इसमें डाल सकते हैं। जैसे आप इसमें, मैंने एक गोंद लिया है 2 बड़ी चम्मच और 1 कप मैंने मखाने लिए हैं। आधा कप मैंने कोकोनट को ग्रेट कर लिया था, मेरे पास फ्रेश कोकोनट था तो मैंने उसको ग्रेट करके इस तरह से ले लिया है ये। अगर आपके पास कोकोनट पाउडर है तो उससे भी आप ले सकते हैं, डेसिकेटेड कोकोनट आता है। और ये सारी चीजें देखिए मैंने, अब हम एक कढ़ाई गर्म कर लेते हैं। इसमें हम 1 चम्मच घी डाल लेते हैं। घी अच्छे से गर्म होने देते हैं। हमने ये लिए हैं ड्राई फ्रूट्स में जो हम अभी रोस्ट करते हैं, इसमें पिस्ता, बादाम, अखरोट और काजू। हम इन्हें 2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। केवल 2 मिनट के लिए ही करेंगे, ये बहुत ही अच्छे से ड्राई रोस्ट हो जाते हैं और ये बहुत ही क्रंची लगते हैं। जैसे हम इनको लड्डू बनाए हैं इनके, बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये हो गए हैं अच्छे से, ये देखिए 2 मिनट में ही ये बहुत ही अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गया और बहुत ही प्यारा कलर भी आ गया है इस तरह से। अब ये हमें इन्हें निकाल लेते हैं एक प्लेट में इस तरह से फटाफट से। ये देखिए सारे ड्राई फ्रूट्स हम निकाल लेते हैं पहले प्लेट में। मैं पूरा वीडियो दिखा रही हूँ ताकि जब भी आप बनाओ बिल्कुल परफेक्ट बने। अब हम उसी घी में ये गोंद डाल देते हैं। गोंद लिया था मैंने जो 2 चम्मच, इसे भी हम इसमें डाल देते हैं और इसे हम अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं 2 मिनट के लिए। ये बहुत ही अच्छे से फूल जाता है और जैसे फूलेगा ये बहुत ही क्रंची हो जाता है, बहुत ही प्यारा कलर आ जाता है, एकदम व्हाइट हो जाते हैं ये देखिए, और बहुत ही अच्छे से क्रंची बन जाते हैं इस तरह से। ये फटाफट से फूल के तैयार हो जाते हैं केवल 2 मिनट में ही। ये देखिए ये बहुत ही अच्छे से फूल गया है और गोंद बहुत ही जल्दी फूल जाता है। जो फूलता है तो ये एकदम क्रंची हो जाता है, बहुत ही हल्का हो जाता है। अब हम इसे भी निकाल लेते हैं एक प्लेट में इसी तरह से फटाफट। अब हम उसी कढ़ाई में थोड़ा सा घी और डालेंगे और घी पहले इसको मेल्ट होने देते हैं और इसे हम इस तरह से फैला लेते हैं कढ़ाई में। अब हम इसमें डाल देते हैं मखाने, जो मैंने 1 कप मखाने लिए थे। तो हम इन मखानों को भी अच्छे से क्रिस्पी होने तक का रोस्ट कर लेते हैं। ये 2-3 मिनट में ही अच्छे से क्रिस्पी हो जाते हैं। एक बार चेक करते हैं, अभी नहीं हुआ है क्रिस्पी तो हम इसे थोड़ा सा और भूनेंगे। हमें मखाने लास्ट में ही भूनने होंगे, अगर हम पहले भून देंगे तो वो सारा घी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर, मखाने पूरा घी को सोख लेते हैं। इसीलिए हम पहले ड्राई फ्रूट्स वगैरह सोख लें, ड्राई रोस्ट कर लें, उसके बाद ही हम मखाने करेंगे। ये देखिए ये अभी भी क्रंची नहीं हुआ है, हम थोड़ा सा और करेंगे इसे। जैसे ये एकदम क्रंची हो जाए तो हम इसे भी निकालेंगे फटाफट से एक प्लेट में। ये देखिए इस तरह से मखाने भी अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गए हैं, मखाने मैंने निकाल लिए हैं। अब हम थोड़ा सा घी और डालेंगे, आधी छोटी चम्मच, बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे।
और इसको भी हम मेल्ट होने देते हैं। इसमें हम डालेंगे फिर, पहले इसे फैला लेते हैं इसी तरह से। और इसमें हमने लिया था जो वो बेसिक वो कोकोनट पाउडर, हम इसे भी अच्छे से इसमें डाल देते हैं। ये ग्रेट करा हुआ कोकोनट है, घर पे पड़ा था मेरा, तो मैंने घर में से ही इसे ग्रेट करके तैयार किया है। इस तरह से इसे हम केवल 1 मिनट के लिए ही रोस्ट करेंगे। इसका कच्चापन पक नहीं रहेगा तो हम इसे निकाल देते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है ये लड्डू में। अब हम उसी कढ़ाई में 2 बड़ी चम्मच घी डालते हैं। घी को अच्छे से गर्म कर लेते हैं। अब मैंने ये 250 ग्राम आटा लिया है, पूरा 250 ग्राम आटा है, तो हम इसे भून लेते हैं बहुत ही अच्छे से। हम इसे लगातार चलाते हुए भूनेंगे और हम इसमें 1 चम्मच घी डाल देते हैं। 4-5 मिनट भूनने के बाद तो हम घी को फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें। ये देखिए बहुत ही अच्छे से कलर अब चेंज हो रहा है इसका, बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाएगी पूरे घर में जैसे हम इस आटे को भूनेंगे। अब ये आटा बहुत ही अच्छे से भून लिया है हमने, बहुत ही प्यारा सा कलर भी आ गया इसमें और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। ये देखिए इस तरह से हमने पूरा आटा भून के तैयार कर लिया है, तो हम इसे साइड कर लेते हैं। और अब हम लेते हैं एक पैन, पैन गरम कर लेते हैं। इसमें हम गुड़ लिया है, तो हमने ये 250 ग्राम गुड़ लिया है। इसी कटोरी से मैंने आटा भी लिया था और इसी से गुड़ लिया है, तो ये 250 ग्राम आटा लिया था तो 250 ग्राम ही गुड़ लिया है। गुड़ को हम पैन में डाल देते हैं और इसे अच्छे से मेल्ट कर लेते हैं। गुड़ को पहले हम गुड़ को पहले इसी तरह से पैन में हल्का सा मेल्ट होने देते हैं। गैस का फ्लेम लो रखेंगे और लो फ्लेम में ही इसे मेल्ट करते रहेंगे और चलाते रहेंगे इस तरह से। ये देखिए अगर हम इसे चलाएंगे नहीं तो ये नीचे पैन में चिपक जाएगा और फिर जल जाएगा। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं और ये देखिए गुड़ बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो गया है, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा, आधा कटोरी, और इसे अच्छे से मिलाएंगे इस तरह से। और ये देखिए ये गुड़ की जो चाशनी है ये एकदम परफेक्ट है, हमें इससे पतली नहीं बनानी है इसे और ना ही ज़्यादा पकाना है इसे। अगर हम ज़्यादा पकाएंगे तो ये एकदम कड़क हो जाएगी, फिर लड्डू अच्छे से नहीं बनेंगे। अभी ये परफेक्ट है, हम इस टाइम पर गैस बंद कर देंगे और इसे थोड़ा सा चलाते रहेंगे इस तरह से। ये देखिए हमने गैस को बंद कर दिया है और इसे हम साइड में रख लेते हैं। और जो गोंद को हमने रोस्ट किया था हमने उसे मिक्सर में नहीं पीसा है, हम उसे इस तरह से मैशर से मैश करेंगे। ये बहुत ही आसानी से मैश हो जाता है क्योंकि ये बहुत ही क्रंची हो जाता है जैसे इसको हम रोस्ट करते हैं। और हम इसे इस तरह से ही मैशर से इस तरह से मैश कर लेते हैं। ये देखिए ये पूरा गोंद अच्छे से मैश कर लिया है मैंने, हमें ज़्यादा इससे पतला नहीं करना इसे, ये परफेक्ट है। इसे मिक्सर में भी ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जो ड्राई फ्रूट्स थे उन्हें मैंने हल्का सा दरदरा मिक्सी में इस तरह से पीस लिया है, कुछ बड़े बड़े टुकड़े भी हैं। अब हमने एक बड़ा सा एक परात ले लिया है, हम इसमें डालेंगे सबसे पहले भुना हुआ आटा, जो हमने आटा लिया था भून के उसे डाल दिया। और इसमें हम डालेंगे अब ये ड्राई फ्रूट्स पिसे हुए, और इसी के साथ हम डाल देंगे मखाना, पिसे हुए मखाने जो लिए थे मैंने, और ये ड्राई रोस्ट करा हुआ कोकोनट। और अब हम इसमें ये डाल देते हैं गोंद को भी इस तरह से, सारा मिक्सचर मैंने इसमें डाल दिया है। और इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच सौंठ का पाउडर इस तरह से। देखिए ये मिक्स कर लेते हैं अब इसी से, पहले हम सारी चीज़ों को इसी तरह से पहले मिक्स कर लेते हैं। जो सूखी इंग्रेडिएंट्स हैं इनको हम चम्मच से इस तरह से अच्छे मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने चाशनी बना के रखी थी, तो हम ये चाशनी लेते हैं गुड़ की और इस बैटर के ऊपर डाल देते हैं पूरा, जो हमने ये ड्राई फ्रूट आटे वगैरह मिक्सर किया था। और इसे हम अच्छे से, सारी चाशनी मैंने डाल दी है गुड़ की, और इसे हम अच्छे से हम मिक्स करेंगे चम्मच से। ये गर्म है अभी, हम हाथ से नहीं करेंगे, चम्मच से ही करेंगे।
इस तरह से देखिए, और हम इसे चम्मच से पूरे सूखा जो हमने ड्राई फ्रूट्स आटा मिक्सर बना रखा था इसे हम चाशनी में अच्छे से मिक्स करेंगे पहले इस तरह से। ये देखिए खूब अच्छे से मिक्स करेंगे, हाथ से नहीं कर सकते इसे अभी हम, क्योंकि ये बहुत गर्म है और हल्का सा ठंडा हो गया है, तो हमने ये पूरा मिक्स कर लिया है देखिए, और ये हल्का सा ठंडा हो गया है तो हम इसके लड्डू बनाएंगे। फिर एकदम ठंडा नहीं करेंगे, अगर ये एकदम ठंडा हो जाएगा तो इसके लड्डू नहीं बनेंगे, और ये हल्का सा जैसे गर्म होगा तो ही इसके लड्डू एकदम परफेक्ट बनेंगे। हम पहले हाथों में थोड़ा सा घी लगा लेते हैं इस तरह से, ताकि ये हाथों में चिपके ना। अब हम थोड़ा सा इस तरह से इस पोर्शन लेंगे इसका, और हाथों के बीच में रखते हुए इसे पहले इस तरह से बाइंड करेंगे, और ये देखिए अभी ये गर्म है तो ये फटाफट से एकदम गोल गोल लड्डू बन के तैयार हो जाएंगे। जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा तो फिर इसके लड्डू बनाना मुश्किल हो सकता है, टूट जाएंगे। और ये देखिए इस तरह से हम लड्डू बना लिया है, हम इसे एकदम दबाते हुए अच्छा सा गोल शेप देंगे इस तरह से। देखिए हमने हाथों के बीच में रखे हुए इसे अच्छे से गोल शेप दे दिया है, और हम इसी तरह से और लड्डू बना के दिखाते हैं एक। ये देखिए ये फटाफट बन जाएंगे, जैसे अभी गर्म है तो गर्म में ये फटाफट बन जाएंगे, और ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सख्त हो जाता है तो वो बैटर अच्छे से नहीं होते हैं इसके लड्डू। ये देखिए अभी ये बिल्कुल परफेक्ट है, तो हम फटाफट से इसी तरह से सारे लड्डू बना के तैयार कर लेते हैं, एकदम फटाफट बनाएंगे। बहुत ही हेल्दी होते हैं और बहुत ही एनर्जी वाले लड्डू होते हैं। आप एक लड्डू सुबह खाएं तो पूरे दिन भर एनर्जी मिलेगी आपको। ये देखिए मैंने ये सारे लड्डू बना के तैयार कर लिए हैं इस तरह से। ये चलिए हमारे लड्डू तैयार हैं, हेल्दी और टेस्टी लड्डू बन के हमारे तैयार हैं। आप एक लड्डू सुबह लीजिए और आपको पूरे दिन भर एनर्जी रहेगी आपके शरीर में, बहुत ही ताकत वाले लड्डू होते हैं ये, बहुत पहले से सबके घरों में बनते हैं और सर्दियों में खास कर बनते हैं ये, जैसे प्रेग्नेंट लेडी के लिए भी बनते हैं ये लड्डू, तो बहुत ही हेल्दी और बहुत ही पौष्टिक लड्डू होते हैं ये। और जैसे हम इन्हें एक लड्डू सुबह लेंगे तो हमारे शरीर में पूरे दिन भर एनर्जी रहेगी, और बच्चों को भी हम इसे देंगे तो बच्चों के लिए भी काफ़ी हेल्दी है, उनके दिमाग तेज करने के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। चलिए आप बनाइए लड्डू, और मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगे तो आपको लाइक कमेंट देना ना भूलें।